So, did he want you to become an actor? No, never. He didn't. He was against me. In fact, मैं आपको बताऊँ, बड़ी interesting story है. He called Adnan Siddiqui in my initial days. I was doing this serial for Sakina Samo, Wajood-e-Larab उस serial का नाम था. अच्छा. तो मिकाल जफकार को वो मिला था serial for some reasons उसने नहीं किया तो वो हमारे आ गया हाथ में. अच्छा. तो I still remember उसके script पे मिकाल ने working भी की हुई थी. अच्छा. उसकी अपने कपड़ों की. तो मुझे पहली दफा realize हुआ था कि एक actor इतने कपड़े कैसे आ जाएंगे. तो मैं कोई 60-65 हज़ार रुपये में वो सीरियल बड़ी मुश्किल से मैं कर रहा था. तो मैं देख रहा था उसने हर सीन पे इतनी मेहनत की है, सिर्फ कपड़े लिखे हुए थे, इस पे ये कपड़े, इस पे ये कपड़े. मैंने कहा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतने तो पैसे ही नहीं मेरे पास. बट फिर वो मेरे अब्बा को पता चला कि मैं ये ऐसे ऐसे मैं सीरियल एक कर रहा हूँ. उससे पहले मैं एक कर चुका था, बुशरा आपा के हस्बैंड थे इकबाल अंसारी साहब, उनके साथ एक. तो उन्होंने कॉल किया अदनान सिद्दीकी को, बिकॉज ही वाज आल्सो डूइंग वन ऑफ द कैरेक्टर्स, द लीडिंग कैरेक्टर इन फैक्ट. अदनान इन दैट प्ले, अदनान और फैसल वर द लीड्स एंड आई वाज लाइक सपोर्टिंग कैरेक्टर. एंड माय फादर टोल्ड हिम केयर प्लीज जस्ट टेल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स नॉट टू कास्ट हिम बिकॉज यू नो दिस इज आई डोंट वांट हिम टू बी एन एक्टर. यानी अपन ने नहीं भाई इसको निकलवाओ यहां से इसको, बिकॉज मैं नहीं क्यों वजह कोई खास, बिकॉज मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी. मैं आई वाज डूइंग माय फार्मेसी. तो मैं फार्मेसी के सेकंड ईयर में था और आई स्टिल रिमेंबर, पता नहीं क्या मुझे आज तक समझ नहीं आती ऐसा क्यों किया मैंने. मेरे अब्बा मेरे पास आए थे एक रात को और आई स्टॉप गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी. यू वांटेड टू बिकम आई वांटेड टू बिकम नो 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 आई वांटेड टू बी अ डेंटिस्ट. वो हुआ नहीं, उसके बाद फार्मेसी में डाल दिया. तो पता नहीं किस पे गुस्सा था, हालांकि गलती सारी मेरी अपनी थी. पढ़ा मैं नहीं, मार्क्स मेरे अच्छे नहीं, गुस्सा आप निकाल रहे हैं अपने पेरेंट्स पे और इर्द गिर्द. वो जो एक होता है ना आपका फ्रस्ट्रेशन टीनेज में, आप पागल आपको लगता है बाकी सारे गलत हैं और आप सही हैं और आपके नंबर नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए, आप पढ़े नहीं इसलिए नहीं आए. तो वो फिर प्रॉब्लम ये थी कि अब्बू ने मुझे कहा एक दिन के बेटा प्लीज पढ़ लो. एंड आई सेड नो टू हिम. I still don't believe it. I'm not the kind of person, you know, जो कि बाप को ऐसे मैं नहीं पढ़ूंगा. आई डोंट नो व्हाई. फिर मेरे अब्बा ने मुझसे 2-3 साल बात नहीं की. अच्छा, उन 2-3 सालों बिकॉज आई हैड नो चॉइस, आई हैड लेफ्ट माई स्टडीज, सारा कुछ खत्म हो गया था. तो फिर एक चीज़ जो मैंने जिंदगी में की, जब मैं एक्टिंग में घुसा फिर मुझे पता था कि यार अब कुछ करना है, अदरवाइज कुछ हो नहीं मतलब सकता, सर्वाइवल और पैसा बनाना, मतलब और क्या करेंगे यार. तो वो फिर ऐसा था कि एटलीस्ट आई वॉज वेरी ऑनेस्ट टू माई वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग. जो भी काम मिला, जैसे भी मिला, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी मिले उनके. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.